लग्जमबर्ग जैसे देशों में काम करने का सबका एक बहुत बड़ा सपना है। लोग सोचते हैं कि वहां पर महीने का कितना कमाएंगे, तो वहां पर 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तक महीना लोग कमा रहे हैं। बड़ी से बड़ी कंपनियों में कैसे आप अप्लाई करेंगे आपको आइडिया नहीं है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाला है कि जो ग्लोबल रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, जो ग्लोबली काम करती हैं पूरे यूरोपियन कंट्री में, आप कैसे उन सारी कंपनियों में अप्लाई करेंगे। फिलहाल आज हम जो बात करने वाले हैं वो लग्जमबर्ग ब्रांच के लिए बात करने वाले हैं, इन सारी कंपनियों के जो लग्जमबर्ग में ब्रांच और लग्जमबर्ग कंट्री में, यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हो तो किस तरीके से करोगे। बाकी आप अदर कंट्री में भी अगर आप चाहते हो यूरोपियन कंट्री में जाना, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, क्योंकि सारी इन जो कंपनियों के बारे में हम बात करने वाले हैं, सारी कंपनियाँ जो है उन सारी यूरोपियन कंट्री में भी काम करती है मोस्टली, ठीक है। तो आप अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग आप जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उस हिसाब से सेल्स में जाना है, होटल्स लाइन में जाना है आपको, या फिर किसी भी लाइन में जाना है, ड्राइवर की पोस्ट ले जाना है, आईटी इंजीनियर अगर आपको आईटी में हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, डेवलपर हो, या फिर आपको होटल मैनेजमेंट में जाना है, किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, तो जो मैं आपको ग्लोबल रजिस्टर्ड वहाँ की जो यूरोपियन कंट्री की कंपनी है, आप खुद गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो उन कंपनी के बारे में जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। उन कंपनी का नाम बस सर्च करो, वो आपको दिखाएगा कि उनकी ब्रांच कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी देशों में है, तो उन देशों में आप अप्लाई कर सकते हो इजीली। अब कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं सर आप अप्लाई कर दीजिए। देखो हम आपको पूरा प्रोसेस बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, पूरा गाइड आपको कर सकते हैं, लेकिन करना आपको खुद से होगा, और एक वेबसाइट पर अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाते रहते हैं और मैं यहाँ पर डालते रहता हूँ, तो आपको सारी वेबसाइट पर जाके लग्जमबर्ग की जो रहेगी वहाँ पर अप्लाई कर लेना है, ताकि आपको ईजिली जॉब मिल जाए। तो आप सारे प्रोसीजर को फॉलो करो, आपको ईजिली जॉब मिल जाएगा, महीने का आराम से 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तो नॉर्मल है भाई। मिनिमम जो सैलरी होगी ना 2 से 3 लाख रुपए होगी, क्योंकि वहां पर खर्चा ही 40-50 हज़ार महीने का आ जाता है, तो सैलरी उनको उतना देना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको आप पूरा देखोगे, आगे प्रैक्टिकल देखोगे, और वर्क वीजा कैसे आपको मिलेगा वो भी अगर मैं आपको बता दूं, तो ये जो ग्लोबल रजिस्टर्ड जो कंपनी है ना, जो पूरे यूरोपियन कंट्री में काम करती है, तो समटाइम्स ये कंपनियां खुद आपको वर्क वीजा, एकोमोडेशन, रहने का सब कुछ देती हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशन क्या है, अगर हायर एजुकेशन है तो कंपनियां आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लेगी, जैसे सबका वही प्रोसीजर है, आपका इंटरव्यू किस तरीके से जाता है, आपकी सीवी शॉर्टलिस्टेड होती है कि नहीं, अगर सब कुछ शॉर्टलिस्टेड हो जाता है तो भाई आपको इजिली जॉब मिल जाएगा 100% श्योरिटी के साथ। और अगर आप सही तरीके से इंटरव्यू को ब्रेक कर पाते हो, क्रैक कर पाते हो, तो अगर आपकी प्रोफाइल जो है, आपकी जो सीवी है वहाँ सेलेक्ट हो जाती है, तो आप सबसे पहले एक अच्छी सीवी बना लो यूरोपियन कंट्री के लिए। यूरोपास की वेबसाइट से जाके आप सीवी बना सकते हो, तो वहां पर जाके आप सीवी एक बार बना लो वन टाइम के लिए, और आप पूरे यूरोपियन कंट्री में उसे यूज कर सकते हो, कोई भी चार्ज नहीं लगता सीवी बनवाने के लिए। लेकिन उसके बाद भी आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे हम टाइटल में आपको बताते हैं किस तरीके से आप लग्जमबर्ग जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, और वीजा जो है कंपनी आपको प्रोवाइड कर ही देंगी इंटरव्यू होने के बाद, जॉब मिलने के बाद आपको। चलो आगे प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो अभी हम वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं, जिस वेबसाइट का नाम है यूरोफिन्स। यूरोफिन्स की वेबसाइट पर आपको आ जाना है, यूरोफिन्स.com। ये एक ग्लोबल वेबसाइट है और ये कई सारे यूरोपियन कंट्री में जो है रहती है। यहाँ पर देख सकते हो आपकी 61 कंट्रीज में जो है यहाँ पर जरूरत है, यहाँ पर 61 कंट्री में जो ये कंपनी चल रही है, और 900 लैबोरेटरीज हैं इस कंपनी के, और 60,000 प्लस एम्प्लॉई इस कंपनी के अंदर हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं जो लोग थोड़ा एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, वो यहां से अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं वो भी यहां से जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, यहां पर देख सकते हो फूड टेस्टिंग वालों की भी जरूरत है, यहां पर सब दिया अबाउट अस में, ये लोग कंपनी का क्या करती है। तो यहां पर एक करियर का ऑप्शन आपको नीचे शो करेगा, यहां करियर का, तो करियर वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप करियर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको पूछेगा सेलेक्ट योर कंट्री कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो। तो आपको यहां से अपनी कंट्री का नाम यहां पर लिख देना है, जैसे कि हम इंडिया से हैं तो हम इंडिया लिखेंगे, और ये पूरा भाई 61 कंट्री में काम करती है ये। तो ये देख सकते हो कि इंडिया में भी एक कंपनी है यूरोफिन्स करियर्स, और ये यहाँ पर भी लोगों को जॉब इजीली प्रोवाइड कर रही है इन सर्च ऑफ द यूरोफिन्स स्पिरिट। तो ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हो बिजनेस लीडरशिप ये सारे डिटेल यहाँ पर लिखा है, और जॉब से रिलेटेड भी यहाँ पर ही आपको मिलेगा। यहाँ पर फीचर जॉब देख सकते हो, नेशनल सर्विस सेंटर, फाइनेंस आईटी स्पेशलिस्ट की इनको जरूरत है, अकाउंटेंट की, ग्लोबल आईटी टीम मैनेजर की जरूरत है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो यहाँ से व्यू अपॉर्चुनिटी क्लिक करके आप जो
भाई इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है भाई ये सबसे हैवी ये वेबसाइट है जो ग्लोबली काम करती है। अगर आप मान लो कि आप करियर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो, अगर आपको लग्जमबर्ग में जॉब चाहिए तो आप यहाँ से वो कंट्री का भी आप इसे चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जॉब के नीचे हम आके आप देख सकते हैं बहुत सारी जो चीजें लिखी हुई है। तो अगर आपको पर्टिकुलर कोई जॉब आपके हिसाब से सुटेबल है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इंडिया में जॉब नहीं करना है तो आप सिंपली यहाँ पर जाओ और यहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया करना है, जिस कंट्री में काम करना है, कनाडा करना है, लग्जमबर्ग करना है, डेनमार्क करना है, जो भी कंट्री में आपको काम करना है उस कंट्री को आपको यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेना है। और जिस कंट्री को आप सेलेक्ट करोगे आपको वहां का ही जॉब से रिलेटेड चीजें दिखाएगी। जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ पर मलेशिया का ले लूँ तो यहाँ मलेशिया के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ मलेशिया से रिलेटेड जो वहां के लोग हैं, वहां पर जो जॉब है, वो सारी चीजें यहाँ पर शो आपको करने लगी। यहाँ पर देख सकते हो फुल टाइम जॉब के ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो ये जो फुल टाइम जॉब है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपको फुल टाइम जॉब इनके पास जो भी अवेलेबल होगी यहाँ पर आपको शो करेगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक ही है जॉर्जिया में, जॉर्जिया टाउन मलेशिया में है, फुल टाइम की जरूरत है यूरोफिन्स में, GSC IT मलेशियन में। तो इसमें अगर आप अप्लाई कर लेते हो और यहाँ से नोटिफाई कर देते हो तो भाई जब भी इनके पास जॉब आएगी ना तो आपको पता चल जाएगा कौन सी कंट्री में कौन सी जॉब आई है। तो आप यहाँ पर 61 कंट्री में अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर जितनी भी कंट्री दिख रही है इन सारी कंट्री में आप जो है इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ये हमारी पहली वेबसाइट रही। अब अगर हम दूसरी वेबसाइट की बात करें यूरोफिन्स के अलावा तो आपको सर्च कर लेना है Globant.com। इस वेबसाइट को आप सर्च कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर वेबसाइट का डायरेक्ट क्या करियर्स का ऑप्शन शो करता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो करियर्स वाले ऑप्शन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। तो करियर्स वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे बहुत सारी डिटेल है जो इस यहाँ पे शो करने लगेगी, और कल्चर यहाँ पर सारी डिटेल जो है भाई शो करने लगेगी। और यहाँ पर आपको जो है इनका एक कॉन्टेक्ट में मेल दिख जाता है, तो इस मेल पर आपको जो है अपना CV सेंड कर देना है। तो इस कंपनी में भाई जब भी आपके पास आपके लिए अपडेट आएगी, जब भी जॉब की वैकेंसी आएगी तो ये आपसे अपडेट करेंगे। और यहां पर अगर आपको चेक करना है बिल्ड और करियर अगर आपको बनाना है तो यहां पर ऑप्शन दिया है ऑलरेडी व्यू ओपन पोजीशन, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और ये भाई ग्लोबली ये कंपनी काम करती है, लग्जमबर्ग में भी काम कर सकते हो आप, यूरोप की किसी भी कंट्री में आप यहां काम कर सकते हो। यहां पर कंट्री अगर आप देखो तो ये कितने कंट्री में प्रोवाइड करती है जॉब, यहां पर देख सकते हो सारी कंट्री का नाम लिखा हुआ है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आप आराम से इजिली जा सकते हो और ग्लोबली आप किसी भी कंपनी में रजिस्टर कर सकते हो। नीचे जॉब आप देखोगे तो यहां पर जॉब ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहां से कैटेगरी सर्च बाय कीवर्ड, तो अगर मान लो यहां से आपको सेल्स में जाना है तो सेल्स आप लिख दो। यहां से एरिया आपको पूछ रहा है कौन सी चीज में आपको जो है जॉब करना है, तो अब डिपेंड करता है बिजनेस डेवलपमेंट, डिजाइन, गेमिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है, प्रोजेक्ट का है, क्वालिटी कंट्रोल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब चीज यहां से सेलेक्ट करके, कंट्री सेलेक्ट करके आप यहां सर्च जॉब कर दो। तो जो भी जॉब रहेगा ना वो सारे के सारे जॉब यहां पर शो करेंगे। तो यहां पर हमने सेल्स का लिखा था, वहां पर स्पेशलिस्ट, तो यहां पर सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर की जरूरत है, यहां पर सीनियर अकाउंटेंट की जरूरत है, यहां पर क्लाइंट पार्टनर साहब की जरूरत है, क्लाइंट पार्टनर की जरूरत है, टेक्नोलॉजी डायरेक्टर की जरूरत है, टेक्नोलॉजी डायरेक्टर। तो ये थोड़ा सी मोर करेंगे, एडवांस लेवल की जॉब आ गई है। तो आप इस हिसाब से आपको फिल्टर करना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट जॉब है जो यहां पर आप जाके जो पर्टिकुलर जॉब को आप कर सकते हो। यहां पर अलग अलग आप कंट्री का भी चूज कर सकते हो, डेनमार्क, जर्मनी, इंडिया, इटली, मैक्सिको, पुर्तगाल है, तो यहां पर आप जर्मनी भी चूज कर लो और सर्च जॉब कर दोगे। तो यहां पर देख सकते हो आप, जैसे आप सर्च करोगे तो जर्मनी में जितने भी जॉब यहां पर रहेंगे तो वहां पर शो करेगा। तो करंटली जर्मनी में कोई जॉब नहीं है इसलिए यहां पर जॉब शो नहीं करा, ठीक है। अब ये ग्लोबली रजिस्टर्ड जो है दूसरी कंपनी हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद तीसरी कंपनी के बारे में हम बता सकते हैं। देखो आपको जो है फिल्टर करना है कि आपको कौन सी कंपनी के थ्रू अप्लाई करना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मैटर करता है और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये आपको ना पता हो तो फिर बहुत ही ज्यादा दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो अगली वेबसाइट आती है उसका नाम है Ternium.com। इस वेबसाइट के ऊपर आपको चले आना है Ternium.com। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो Ternium वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ दिख रहा है, तो नीचे आप ड्रॉप डाउन करके सिंपली नीचे आ जाओ एकदम नीचे, और यहाँ पर रेस का ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक कर लो, क्योंकि रेस मतलब करियर होता है, करियर का ही ये रहता है। और इसके ऊपर आप नीचे आके देखोगे तो यहाँ पर भी दिखाएगा आपको बी अ पार्ट ऑफ Ternium। तो यहाँ पर गो टू वैकेंसी के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इसके ऊपर आप गो टू वैकेंसी के ऊपर आप क्लिक करोगे, देखो आपको भाई, देखो मेरा काम है आपको सब कुछ बताना किस तरीके से आप अप्लाई करोगे, क्या प्रोसेस है, लेकिन फॉलो आपको करना है। तो उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगी, और ड्रॉप डाउन करके आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर सब कुछ जो नीचे जॉब होगा ना सब कुछ आपको यहाँ पर ही शो करेगा।
तो यहाँ पर नीचे आ जाओ और यहाँ देखो वी वॉन्ट टू मीट यू एंटर योर डेटा एंड रिसीव योर जॉब ऑफर। तो अगर यहाँ पे जॉब ऑफर अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर अपना सीवी अपलोड कर दो, जब इनके पास वैकेंसी आएगी तो ये आपको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते इंटर योर सीवी के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो किस इस तरीके से डिटेल देता है फिलअप करने के लिए, आपका ईमेल, आपका यहाँ पर आपके बारे में डिटेल सब कुछ यहाँ पर फिल कर दो। फिल करने के बाद आपको सारी चीजें जो है उसके बाद देखो यहाँ पर रजिस्टर करना जरूरी है, तो ईमेल डाल दो, अपना ईमेल फिर से डाल दो, पासवर्ड यहाँ पर बना लो, यहाँ पर अपना पासवर्ड दोबारा डाल दो, नेम अपना डाल दो, सरनेम डाल दो, कंट्री कौन से देश से हो आप, इंडिया से हो तो इंडिया, यहाँ पर कंट्री आप सेलेक्ट करके आराम से इंडिया डाल दो। उसके बाद यहाँ से क्रिएट अकाउंट कर लो, फिर इनके पास जब भी वैकेंसी आएगी तो आपको अपडेट ये तुरंत देंगे। और यहाँ पर अवेलेबल वैकेंट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इनके पास जो जॉब होगी तो यहाँ पर आपको शो करेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आईडी बना लेनी है, जो कि मैंने प्रोसीजर बताया था। और यहाँ पर जॉब की वैकेंसी देख सकते हो, यहाँ पर जो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जॉब आया रहेगा, जिस लोकेशन में आ रहेगा, ये सब कुछ आपको नीचे शो करेगा, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही है भाई। ठीक है, ये आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको ग्लोबली जो रजिस्टर्ड कंपनी है ना वो तीन कंपनियों के बारे में एटलीस्ट बता दूं। देख सकते हो आईटी सपोर्ट एनालिटिक्स की जरूरत है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की जरूरत है, यहाँ पर जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं ना भाई इंडिया में उनके लिए तो कमाल का है, महीने का 3-4 लाख कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो मैं देखिए आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल पर नए हो तो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलता है। आपसे किसी और नए वीडियो में।